आज सुमिला रुंगहांग पे जिस घर में मदद के रूप से काम कर रहे थे उसी घर में रहस्यमय रूप से मार दिया गया। आसाम के राह में 22 अप्रैल के शाम को सुमिला रुंगहांग पे को मार दिया गया था। प्रकाश बर ठाकुर जिस परिवार में वो काम करते थे उस परिवार के मुखिया, उसके बेटे नयन ज्योति बर ठाकुर, दोनों को पुलिस ने नौगांव में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि जांच में पता चला था कि पीड़ित की मृत्यु जलने से पहले ही कर दिया गया था। बाद में आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दावा किया था कि नाबालिग लड़की को मारने से पहले यौन शोषण किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप उसके गर्भावस्था हुई थी। पीड़िता आसाम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग के गांव सरकुराम रेनथंग की निवासी थी। नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला है कि आसाम ने 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 6608 मामले दर्ज किए थे जो भारत के किसी भी अन्य पूर्वांतर राज्य में सबसे अधिक है और ये साल बदर साल बढ़ रहा है। इन मामलों में बलात्कार के साथ हत्या की 3 घटनाएं भी थी जो कि अन्य पूर्वांतर राज्य के साथ साथ अन्य मामलों की भी सबसे अधिक संख्या थी।